Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on Pragati Practice app. Download now. नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आइसोमर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. दे कैन बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दे कैन बी स्टीरियो आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है कि उनका स्ट्रक्चर ही अलग हो, नाम में ही समझ में आया. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है. स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होती है. मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि अगर जैसे सपोज करो ये है, ये CH3 ऊपर की तरफ है और यहाँ पे CH3 नीचे की तरफ है ना, तो ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होगी. कि अपन लोग जो भी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल या कंफर्मेशन की बात करते हैं वो सारी स्टीरियो केमिस्ट्री में आती है. और स्ट्रक्चरल में आते हैं चेन आइसोमर्स, पोजीशन, फंक्शनल मेटामर्स और टॉटोमर्स. टॉटोमरिज्म के बारे में हमको थोड़ा आइडिया है, हमने देखा था कि टॉटोमर्स कैसे बनते हैं. बाकी लेट्स स्टार्ट विद चेन आइसोमर्स. उससे पहले अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें, स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्केलेटल, लिंकेज, कंस्टिट्यूशनल. कहीं मिलेगा नहीं, पर अगर कहीं मिले तुमको तो घबराना. तो सबसे पहले हमारे पास चेन आइसोमर्स. देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नाम से बोला तो स्ट्रक्चर अलग होगा, चेन भी नाम से बोल रहा है कि क्या होगी, चेन अलग होगी. तो दे विल हैव डिफरेंट साइज ऑफ मेन कार्बन चेन एटम. जैसे कि तुम याद करो अभी अभी अपन ने देखा था एग्जांपल, तो तुम देख पा रहे हो अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में हमारे पास चार कार्बन है और दूसरे वाले में हमारे पास तीन कार्बन है. तो चेन ही अलग है ना. और अगर मैं तीसरा वाला बनाऊं, क्या ये भी चेन आइसोमर है? क्या इसकी चेन तो ये हो जाएगी ना, चेन हमेशा सीधी थोड़ी होती. क्या हाँ, पहला और तीसरा कंपाउंड जो बना है वो सेम ही है, कुछ अंतर ही नहीं दोनों में. ध्यान से देखो, ऐसे छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत घुमाया जाता है बच्चों. पहला और जो तीसरा कंपाउंड था वो एकदम सेम, ठीक है. हमें चेन ढूंढनी है. अगर चेन से हमें क्या चाहिए, बस चेन अलग हो जाए तो चेन आइसोमर्स बोल दें, ठीक है. अगर मैं जैसे C5H12 की बात करूं तो C5H12 के लिए CH3 CH2 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 CH3. हमेशा क्या किया करो कि सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन बनाया करो. पांच कार्बन की चेन बना ली, अब चार कार्बन की बना के देखो. CH3 CH2 CH2 CH3 और चार में से एक जगह क्या लगा दो, CH3. तो देखो ये दोनों क्या है, चेन आइसोमर्स. दोनों की चेन अलग. तुम नेक्स्ट ये करके देखो कि तीन की चेन बना दो, है ना. दिस इज अगेन, तो ये तीन आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स का मतलब समझ में आ गया, जिनकी चेन अलग होगी. अब कभी कभी ये जो चेन होती है, ये चेन जरूरी नहीं है कि एलिफैटिक ही हो. एलिफैटिक मतलब जिसमें बेंजीन या रिलेटेड कंपाउंड नहीं होता. हो सकता है वो अलग हो जाए. जैसे सपोज करो ये CH3 है और यहाँ पर C2H5 है, लेटर से यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर CH2CH3. तो नीचे वाले केस में जो तुम देख रहे हो, क्या तुम इसमें समझ पा रहे हो कि ये जो CH2CH3 है वो अलग चेन बना रहा है ना. बेंजीन तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ये चेन है, यहाँ पर यही चेन है, बस इज अगेन आर चेन आइसोमर्स, है ना. यहाँ पर अपन ये तीन एग्जांपल देख लिए, अब हमें चेन आइसोमर्स का आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की. तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है पोजीशन अलग होगी, है ना. तो वो पोजीशन किसके अलग हो सकती है, मे बी वो मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की हो जाए, मे बी वो फंक्शनल ग्रुप की हो जाए,
या मे भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट की हो जाए। तो एक एक एग्जांपल देखें तो लेट अस से CH3 CH2 CH3 या CH2 OH। तो अगर मैं इसको नंबर करूंगा, या चलो इसका पहले एग्जांपल और देख लूं, CH3 CH3 और यहाँ पर OH। तो तुम देखो अगर मैं इसको नंबरिंग करूंगा तो 1, 2 और 3 अल्कोहल ग्रुप जो है 1 पे लगा है ना, यहाँ पर मैं नंबरिंग करूंगा तो अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर 2 पे लगा है, तो पोजीशन अलग हो रही है। तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड्स की बात कर लें तो जैसे सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये है, और एक बार है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। दोनों में देखो जो चेन है क्या सेम आ रही है ना, पर पोजीशन अलग हो जाएगी। देखो पहले वाले में डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में, दूसरे वाले में 1 और 2 के बीच में। अगेन दिस आर पोजीशन आइसोमर्स, CH3 CH2 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 OH था, और CH3 CH2 CH2 नीचे CH3 और यहाँ पर OH था। देखो चेन किसकी बनानी, कार्बन की बनानी ना, तो यहाँ पर भी 4 कार्बन की चेन, यहाँ पर भी 4 कार्बन की चेन। तो तुम देखो यहाँ पर ये भी क्या हो गया पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप किस पे लगा है, 1 पे लगा, और यहाँ पर 2 पे लगा। और हम लोग सब्सिट्यूएंट की भी बात कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे CH3 CH2 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 CH3। एक ही ले लेते हैं, और CH3 CH2 CH पे CH3 CH2 CH3। तो चेन देख लो, क्या चेन तुम दोनों में देख पा रहे हो, 5 कार्बन की है, यहाँ पर भी 5 कार्बन की है ना, दिस इज 1 2 3 4 5। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, चेन। अपन हमेशा चेन देखेंगे, अगर चेन ही अलग हो गई तो चेन आइसोमर्स बोल देंगे, पर चेन तो यहाँ सेम आ रही है, तो अलग क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ओके देखो ये पहला वाला सवाल हमने कर लिया, इन दोनों कौन सा आइसोमर्स शो कर रहे हैं, ये दोनों है चेन आइसोमर्स। पोजीशन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, कि मैं अगर यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ, ये CH3 और ये CH3, तो तुम यहाँ पर बोलते कि ये पोजीशन है 1 2 3 4 और ये पोजीशन है 1 2 3 है ना, तो ये दोनों हमारे पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो पहले चेन देखेंगे, चेन सेम है तो फिर आगे पोजीशन की बात करें, समझ गए। तो वो कह रहा है कि NLK-Namine के चेन आइसोमर्स बनाओ जिसमें 4 कार्बन। तो हमें क्या चाहिए, NLK-Namine का मतलब क्या है, कि उसमें हमारे पास एल्केन होना चाहिए और अमीन ग्रुप भी होना चाहिए, एंड दैट टू 1 डिग्री। क्या तुम्हें पता है 1 डिग्री अमीन ऐसा होता है RnH2 अच्छा है ना, और 2 डिग्री अमीन कैसा होता है, RnRH है ना, ये पता है ना तुमको। और 3 डिग्री की बात करें तो तीन आर आर चार आर ग्रुप होते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पहले जैसे बनाने, RnH2 टाइप बनाने, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का मैं तो ऐसे बना सकता हूँ सीधे, या तो फिर क्या करूँ, NH2 को तो रखना ही है, देखो NH2 को साइड में रखना ही है, तो ये 4 कार्बन की चेन बनाई थी, अब 3 कार्बन की चेन बनाता हूँ, है ना। चेन अच्छा आइसोमर्स हाँ ऑफ NLK-Namine विच आर 1 डिग्री। हाँ अगर 2 डिग्री बोलता तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बनाता कि NCN और H 4 कार्बन,